सो फ्रेंड्स, आज हमारे पास कार्डियो मार्क का एक पेशेंट मॉनिटर है जो कि ऑन नहीं हो रहा। मैं आपको पावर सप्लाई इसकी लगा के दिखाता हूँ। कोई डिस्प्ले कुछ भी नहीं। अभी हम इसको ओपन करते हैं, इसको ट्रबल शूट करते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ये रही इसकी सप्लाई या आउटपुट इसकी सेकेंडरी साइड, ये प्राइमरी साइड। तो अभी हम इसको उतार के देखते हैं कि इसके अंदर इशू क्या है। सप्लाई मैंने चेक कर ली है। देखिए इसके आउटपुट के ऊपर इसके प्रॉपर हाई वोल्ट लिखे हुए हैं, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, ग्राउंड, और ये ऑन। तो ये आपकी बैटरी का पॉइंट है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये है, तो एक तो इसके ये इनपुट के ऊपर एक फ्यूज़ लगा हुआ है वो ख़राब है, जो कि ख़राब हुआ है। मे बी इसको ओवर वोल्टेज आए होंगे। इसकी जो ब्रिज रेक्टिफायर उसकी एक साइड डायोड की शॉर्ट है, तो ये बाकी आगे तो कोई शॉर्टेज अभी नज़र नहीं आ रही। जब ये ब्रिज उतारेंगे तो बाकी आइडिया होगा। तो उम्मीद है यही मसला होता ज़्यादातर सप्लाईज में, क्योंकि इसके कैपेसिटर वगैरह बर्न आउट वगैरह नहीं हुआ हुआ, ना ही इसकी FET की कोई शॉर्टेज फील हो रही है। तो बाकी तो सर्किट बिल्कुल ओके ही होगा। तो हम उसको रिप्लेस करके फिर आपको वीडियो दिखाते हैं इंशाल्लाह। ब्रिज तो चेंज हो गया, देख सकते हैं कि एक मैंने किसी और सप्लाई से निकाल के लगाया है, और बाकी ऑब्वियसली सारी सप्लाई ओके है, कोई फॉल्ट नहीं है इसके अंदर। ओवर हीट, ओवर वोल्टेज, कोई भी इशू आया होगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया है। बाकी ये क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। अभी देख सकते हैं ब्रिज चेंज हो गया इसका, और फ्यूज़ की जगह मैंने जंप लगा दिए, क्योंकि इसके एक्स्ट्रा फ्यूज़ भी लगे हुए हैं, NTC वगैरह भी लगा हुआ है। तो हम इसको इसकी अपनी जगह पे फिट करेंगे और इंशाल्लाह फिर आपको चला के दिखाएंगे। पैक हो चुके दोस्तों, बस हम इसको पावर के भी लगाएंगे। यू कैन सी कि इसकी AC की लाइट आ गई है। कार्डियो मार्क का मॉनिटर है ये, और मॉडल ये है इसका। बाकी फर्दर हम एक दफ़ा इसके स्विचेस टेस्ट कर लेते हैं। प्रिंटर का बाकी इसके सारे ऑप्शन काम कर रहे हैं। थैंक यू।